नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ऐसी रेसिपी जो ना सिर्फ स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, वेज पुलाव। सर्दियों के दिनों में हम चाहते हैं कुछ ऐसा खाना जो झटपट बन जाए, स्वादिष्ट हो और साथ में हेल्दी भी हो। वेज पुलाव ही एक ऐसी रेसिपी है। बच्चों से लेकर बड़ों तक को यह बहुत पसंद आती है और इसे आप लंच में या डिनर में जो हैं बना सकते हैं। स्वागत है आपका फ्लेवर फ्यूज़न एंड क्रिएशन में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं वेज पुलाव। यहाँ पर मैंने एक गिलास बासमती राइस लिए हैं और इनको हम धो लेंगे 2 से 3 बार, और धोने के बाद इनको 15 मिनट के लिए पानी में भीगने के लिए रख देंगे। अब वेज पुलाव जो है मैं आज कढ़ाई में बना रही हूँ। अब इसमें हम डालेंगे देसी घी। आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, पर देसी घी से जो है वेज पुलाव का जो स्वाद है और बढ़ जाता है। जब घी हल्का गर्म हो जाए तो इसमें खड़े मसाले डालेंगे, लौंग, काली मिर्च, तेज पत्ता और बड़ी इलायची। और इन सभी मसालों को हमने लो फ्लेम पर जो है 2 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए रोस्ट करना है। अब इसमें हम डालेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको मैंने लंबाई के आकार में काटा हुआ है। और प्याज को हमने तब तक भूनना है जब तक इसका जो कच्चापन है वह ख़त्म ना हो जाए। बस 2 मिनट के लिए इनको हमने भूनना है। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन। लहसुन को भी हमने 2 मिनट के लिए ही भूनना है ताकि इनका जो कच्चापन है वह ख़त्म हो जाए। अब इसमें हम डालेंगे लंबाई के आकार में टमाटर। टमाटर आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी। जब टमाटर हल्के सॉफ्ट हो जाएं तो अब इसमें हम डालेंगे वेजिटेबल्स, गोभी, आलू, मटर, बीन्स और गाजर। और दोस्तों, ये जो सब्जियां हैं इनमें जो है भरपूर मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर्स होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं। अब इन सब्जियों को जो है टमाटर और प्याज के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम जो है लो और मीडियम ही रखें। अब इसमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, मिक्स करेंगे। अब इन सब्जियों को हमने ढककर सिर्फ 2 मिनट के लिए ही पकाना है। दो मिनट बाद जो है देखेंगे कि ये सब्जियों का जो कलर है सॉफ्ट भी हो गई है और कलर भी इनका थोड़ा हल्का गोल्डन हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे मसाले, नमक स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर और साथ में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर। आप हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर सिंपल देगी मिर्च का ही यूज़ किया है। इन सभी मसालों को जो है अच्छे से मिक्स करेंगे वेजिटेबल्स के साथ और गैस की फ्लेम जो है लो ही रखें। अब इन वेजिटेबल्स को हमने सिर्फ दो मिनट के लिए ही ढककर पकाना है ताकि जो मसालों का फ्लेवर्स हैं इन वेजिटेबल्स में आ जाए। दो मिनट बाद अब इसमें हम डालेंगे भीगे हुए चावल। अच्छे से मिक्स करेंगे इनको। अब इसमें हम डालेंगे पानी। पानी जो है जिस मेज़रमेंट से मैंने चावल लिए थे उसी मेज़रमेंट के गिलास से ही हम पानी डालेंगे। यहाँ पर 2 गिलास जो है पानी डालेंगे। अगर कढ़ाई में बना रहे हैं तो अगर 1 गिलास चावल लिया है तो 2 गिलास पानी डालें। इसमें यह परफेक्ट मेज़रमेंट है। अब इनको हमने ढककर जो है 15 मिनट के लिए पकाएंगे लो फ्लेम पर। अब यहाँ पर जो ये होल है इसको हम सील कर देंगे ताकि स्टीम जो है बाहर ना जा सके। इसको सील करने के लिए यहाँ पर मैंने आटा यूज़ किया है। यह अब स्टीम जो है बाहर नहीं जाएगी। अब देखिए 15 मिनट बाद देखेंगे कि वेज पुलाव जो है यह बन गए हैं।
देखने में ही देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, यह उतने ही हैं खाने में भी टेस्टी हैं। अब इस तरह से इनको हाथ में लेकर जो है चेक कर सकते हैं कि यह सॉफ़्ट हो गए हैं कि नहीं। यह सॉफ़्ट हो गए हैं यह है। तो अब इन इस स्टेज पे जो है हमने गैस की फ्लेम जो है बंद कर देनी है। अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाला 1 चम्मच। गरम मसाला जो है लास्ट में ही डालें, इससे क्या है फ्लेवर और अच्छा आएगा मसालों का। अब इनको हमने ढककर जो है 5 मिनट के लिए रख देना है, और ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम जो है बंद ही रखें। अब 5 मिनट बाद देखिए चेक करेंगे कि पुलाव, वेज पुलाव जो है बन गए हैं ये हैं। और देखिए खिले खिले बने हैं वेज पुलाव। आप इनको लंच या डिनर में भी बना सकते हैं, वो भी कम समय में। अब मैं इनको इस प्लेट में सर्व करूँगी, ऊपर से थोड़ा हरा धनिया डालेंगे, और यहाँ पर मैंने इसको दही के साथ सर्व किया है। तो आज की हमारी डिनर की थाली जो है तैयार है, वेज पुलाव। इस आसान और हेल्दी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और ऐसी ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आपका एक लाइक जो है हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।